हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो AEW फुल गियर से पहले हमें देखने को मिलने वाला है AEW डायनामाइट का लास्ट एपिसोड, और इस शो के लिए काफ़ी चीज़ें अनाउंस है। शुरुआत करते हैं एक सिक्स मैन टैग टीम मैच से फॉर द AEW वर्ल्ड ट्रायल्स चैंपियनशिप। AEW वर्ल्ड ट्रायल्स चैंपियंस डेथ ट्राइंगल अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं टॉप फ्लाइट एंड AR फोक्स के खिलाफ। इस मैच में चैंपियनशिप चेंज होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि डेथ ट्राइंगल फुल गियर में चैंपियंस बन के ही जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हमें रिटर्न देखने को मिलने वाली है इलीट की, और उनकी डायरेक्ट राइवलरी चलने वाली है डेथ ट्राइंगल से चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद अगला मैच है AEW इंटरिम वुमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच, टोनी स्टॉर्म वर्सेज द बनी। इस मैच में टाइटल चेंज का चांस बहुत कम है, क्योंकि टोनी स्टॉर्म इस टाइटल को होने वाले फुल गियर में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली है जेमी हेटर के अगेंस्ट। इसके बाद अगला मैच है एक सिंगल्स मैच, वन हाफ ऑफ AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस एंथोनी बोवेंस वर्सेज स्वर्व स्टिकलैंड। मेरे हिसाब से स्वर्व स्टिकलैंड ही इस मैच को जीतने वाले हैं। इसके बाद हमें शो पर सरेया देखने को मिलने वाली है, जैसा कि उनका मैच कन्फर्म हो चुका है फुल गियर के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर के अगेंस्ट। तो इस वीक के एपिसोड में हमें इन दोनों के बीच एक फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच है AEW वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, ईथन पेज वर्सेस बैंडिडो। मेरे हिसाब से ईथन पेज इस मैच को जीतने वाले हैं, और फिर वो क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल्स के लिए, और फाइनल्स को जीतने वाला सुपरस्टार बन जाएगा नंबर वन कंटेंडर फॉर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसको मैच मिलने वाला है AEW के स्पेशल एडिशन विंटर इज कमिंग पर। इसके बाद इस शो के लिए जॉन मॉक्सली और MJF के प्रोमोज भी AEW ने कन्फर्म कर दिए हैं। मेरे हिसाब से इस शो पर हमें इन दोनों के बीच फाइनल ब्रॉल या फाइनल फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक AEW डायनामाइट के शो पर हमने देखा कि समोआ जो ने अटैक किया था वार्डलो पर, तो इन दोनों के बीच मैच फिक्स हो सकता है फुल गियर के लिए एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। इसके बाद होने वाला है इस शो का मेन इवेंट एक टैग टीम मैच, क्लोडियो कस्टानोली एंड ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस ROH वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको एंड सेमी गवेरा। ये चारों सुपरस्टार फुल गियर में कम्पीट करने वाले हैं एक फेटल फोर वे मैच में फॉर द ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इस मैच को दोनों टीम ही जीतना चाहती हैं। मेरे हिसाब से क्लोडियो और ब्रायन डेनियल्सन की टीम इस मैच को जीतने वाली है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।